हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. दिस इज अभिषेक शर्मा. सलाम नमस्ते आदाब. मैं अभिषेक शर्मा दिल्ली वीज़ा सर्विस की तरफ से अपने सारे व्यूअर्स का इस चैनल जो आप ही का चैनल है दिल्ली वीज़ा सर्विस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. वी हेल्प यू, वी गाइड यू, वी ट्रेन यू दैट हाउ यू कैन गाइज कैन अप्लाई योर ओन वीज़ाज एंड बी योर ओन गाइड. अदरवाइज वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. आज का एक बड़ा ही स्पेशल डे है. वी टुडे इज़ द फर्स्ट डे फ्रॉम वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स Mr. Sukhvinder Singh, who is from Punjab. He has sent me this Nokia 3.1. Oh, thank you, Sukhvinder ji. Thank you so much for this gift. He wrote to me with this that because by watching our videos, he was able to get his USA visa, and which is really very, very good. मैं आशा करता हूँ हमारी वीडियोस आप सभी व्यूअर्स के लिए बड़ी ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत बनती है और आपको ऊंचाई पे पहुंचाती है. आप जहाँ के वीज़ाज चाहते हैं वहाँ के आपको वीज़ाज मिलते हैं, आपको सही गाइडेंस दी जाती है. उसके अलावा भी आपका दोस्त अभिषेक शर्मा आप लोगों के साथ है. यू कैन गेट मी, यू कैन गेट इन टच विद मी एट 9654229654 एंड माई मेल आई डी इज देयर. इन केस इफ यू आर न्यू व्यूअर, आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियो. सो मिस्टर सुखविंदर, नाउ दिस इज डेडिकेटेड एंड as you have requested that you want to apply for a Japan visa, so I'm your friend. Please send us your passports as I have requested you, and for all other viewers, today we will guide you that how you can get a Japan visa. आप अपना जापान का वीज़ा कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आप जापान एज अ टूरिस्ट, अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं. दोस्तों याद रखिएगा, जापान वीज़ा की बहुत वैल्यू है. ये कुछ उन चुनिंदा वीज़ाज में से है जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक डेवलप्ड कंट्री है और जिस वीज़ा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. बाकी कंट्रीज भी कंसिडर करते हैं. अगर आपके पास यहाँ का वीज़ा है तो दे डू कंसिडर यू गिविंग द वीज़ाज, एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीज़ा आई वुड से. सो आज मैं आपको बताऊँगा आप, क्योंकि इंडिया एंड जापान दे इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, तो आप कैसे अपने लिए जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं. तो विदाउट टाइम वेस्टिंग विल जस्ट स्टार्टेड राइट अवे. सो अभी मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा और अपना यहाँ पर टाइम मैं करूँगा यहाँ पर VFS Japan क्या है. VFS Japan इज़ अ सेंट्रल एजेंसी जो, बिकॉज आप जापान एम्बेसी में डायरेक्टली जाकर वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी आपको वीज़ाज आप VFS के ऑफिस में देते हैं, दे वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन द जापान एम्बेसी एंड द वीज़ा एप्लीकेंट. ठीक है, तो आप यहाँ पर ये vfsglobal.com/japan/india ये आप खोलेंगे वेबसाइट, और ये आपकी VFS Japan की वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ पर. वल्ला, सो दिस इज VFS Japan. सो मुंबई वाले मुंबई में, कोलकाता वाले कोलकाता में, चेन्नई वाले चेन्नई में, और बेंगलोर वाले बेंगलोर में. तो अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं तो आप VFS एम्बेसी न्यू दिल्ली. अब वीज़ा टाइप अब सीधा इसके अंदर विदाउट वेस्टिंग टाइम यू जस्ट कम ऑन टू द वीज़ा टाइप. अगर आप इसमें कितने वीज़ा टाइप्स हैं, एक टेम्प्ररी विजिटर वीज़ा है. अगर आप टेम्प्ररी एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. अगर आप फ्रेंड्स या एक्विंटेंस को मिलने जाते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे. बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे. मल्टीपल एंट्री चाहते हैं तो यहाँ करेंगे. ट्रांजिट चाहते हैं तो यहाँ करेंगे. मेडिकल चाहेंगे तो यहाँ पर. लॉन्ग टर्म स्टे, लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट, फैमिली मेम्बर ऑफ द इंडियन विद जापानीज एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, इंटर्नशिप, इंटरव्यू. बट आज हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना जापान का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा पे क्लिक करते हैं आप. तो जैसे ही आप टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा के अंदर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों दिस वीज़ा अलाउज पीपल टू विजिट जापान फॉर अ हॉलीडे और अ रिक्रिएशन फॉर अ स्टे अप टू 90 डेज. तो इसका क्या मतलब है, यहाँ लिखा है कि आपको 90 दिनों के लिए आप जापान एज अ टूरिस्ट रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए, अपना रीजेनरेट होने के लिए जा सकते हैं. दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ है कि जापान की वीज़ा फीस बहुत ही कम है, इतनी मामूली फीस लेते हैं. यू मस्ट अप्लाई फॉर द वीज़ा फीस एंड द सर्विस चार्ज व्हेन सबमिटिंग योर एप्लीकेशन. द वीज़ा फीस डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ नेशनैलिटी ऑन द एंट्री ऑफ जापान. प्लीज रेफर टू द बिलो. इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2018. अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आपकी जापान की वीज़ा फीस से मात्र और मात्र सिर्फ 490 रुपये, विच इज़ वेरी वेरी लेस. एंड अगर आप मल्टीपल एंट्री के लिए तब भी 490 रुपये, दैट इज़ अमेजिंग.
अदर नेशनल अगर आप किसी और कंट्री के हैं तो आपको स्पेंड करने पड़ते हैं 1750 रुपये, और मल्टीपल एंट्री के लिए 3510 रुपये। याद रखिएगा ये वीज़ा फीस नॉन रिफंडेबल है। द वीज़ा फीस इज़ रिफंडेबल ओनली इफ द वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द एम्बेसी। अगर ये आपका वीज़ा नहीं अप्रूव करते तो आपको ये रिफंड भी करते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो और जो इसका जो सर्विस चार्ज है वो है सिर्फ 650 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस एज पर द एप्लीकेबल ओवर द अबव द वीज़ा फीस इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। सो दोस्तों ये इसके आपकी टोटल वीज़ा फीस जो आपकी कॉस्ट करेगी वो आएगी 490 रुपये प्लस 650 रुपये। सर्विस चार्जेस विल बी डिवाइड ऑन द एप्लीकेंट एग्जम्प्टेड पेइंग फॉर द फीस। सर्विस चार्ज विल बी डिवाइड ऑन द एप्लीकेंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द वीज़ा फीस, बट सर्विस चार्ज सभी पे लगेंगे। एप्लीकेंट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली, जलंधर, चंडीगढ़, गुड़गांव, जयपुर में ऑफ टू रिसीव द पासपोर्ट बाय कोरियर एंड दे हैव टू गिव अबाउट 300 रुपीज़। तो ये है, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप 300 रुपये देकर आपके घर पर आ जाएगा पासपोर्ट। ऑल द चार्जेस वीज़ा फीस सर्विस चार्ज एंड अदर चार्जेस आर टू बी पेड इन कैश ओनली इन IIQ इंडियन नेशनल रुपये में आपके पैसे लेंगे ये आपके, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से, अगर आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, अगर आप जापान किसी रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। तो दोस्तों पहला जो डॉक्यूमेंट इसमें होगा है आ वैलिड पासपोर्ट, आ वैलिड पासपोर्ट विद मोर 2 ब्लैंक पेजेस। अच्छा दोस्तों ये 2 से ज़्यादा ब्लैंक पेजेस होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर 2 ब्लैंक पेजेस हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। ये 2 से ज़्यादा ब्लैंक पेजेस, जैसे आमने सामने के ब्लैंक पेजेस वगैरह आपको चाहिए होंगे, तो मोर देन 2 ब्लैंक पेजेस आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसके साथ आपको अपने पुराने पासपोर्ट्स भी जमा करने पड़ेंगे, जो आपके पुराने पासपोर्ट थे, बिकॉज जापान वुड लाइक टू नो कि आपकी जो वीज़ा हिस्ट्री है, आपने किस किस कंट्री में विज़िट कराया है, आपने क्या कहाँ पे गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पुराने जो वीज़ाज हैं, अपने पुराने पासपोर्ट्स हैं, वो भी आप दें। फोटोकॉपी ऑफ बायोडाटा पेजेस ऑफ द करंट पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज। तो जो आपके फोटोकॉपी है बायोडाटा पेज के लिए, आपके लिए फर्स्ट और लास्ट पेज के लिए फोटोकॉपी ऑफ बायोडाटा पेज ऑफ द, अच्छा फोटोकॉपी ऑफ द बायोडाटा पेज, ये क्या है आपका जो इंडियन पासपोर्ट होता है उसके अंदर आपके जो फ्रंट पेज और बैक पेज होता है, ये आपका बायोडाटा पेज होता है। अ कंप्लीट साइन वीज़ा फॉर्म बाय द एप्लीकेंट, ये जो ये लिंक है यहाँ से आपको वीज़ा फॉर्म मिल जाएगा। 1 फोटोग्राफ टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, ये लास्ट 6 महीने में की फोटोग्राफ होनी चाहिए। और याद करें कि अगर आप बाई चांस 6 महीने से पुरानी फोटोग्राफ कोई दे रहे हैं तो वो फोटोग्राफ आपके वो पासपोर्ट पे यूज़ ना हुई भी हो, क्योंकि इस कारणवश भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपना जो लास्ट 6 मंथ्स की कोई 2x2 में अपनी कोई फ्रेश फोटो वाइट बैकग्राउंड पे विद अ गुड क्वालिटी पेपर खिंचवा के दे। होटल बुकिंग एंड ट्रैवल आइटनरी, इसके साथ आपकी होटल बुकिंग और एक डे वाइज आइटनरी आपकी रिक्वायर्ड होगी जो आपको देनी है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, इसका मतलब हो गया आपका ई टिकट आइटनरी, आपकी कंफर्म्ड ई टिकट, आपकी जो कंफर्म रिजर्वेशन है ये आपको देनी है, कंफर्म्ड ई टिकट देनी है आपको, कंफर्म्ड ई टिकट आपकी रिक्वायर्ड होगी। इसके अंदर आपकी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है ये आपका जो कंप्लीट जो इनकम टैक्स रिटर्न का आपका मतलब है जो आपकी 2 साल की या 3 साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न है, जो आपकी ITR फाइल्स हो रही हैं, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको देनी है ये कराकर। अच्छा ये याद रखिएगा कि जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो पिछले 3 महीने या 6 महीने की आप बैंक स्टेटमेंट लगा के दे रहे हैं, वो आप ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट दें और वो आप बैंक से स्टैम्प करवा लें, क्योंकि वो आपसे स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हैं। क्योंकि अगर आप फिर वहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन करके वापस आएंगे तो फिर आपका इट्स अ वेस्ट फॉर टाइम फॉर यू। दूसरा है आपका कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म आप अगर आप जैसे खुद एज अगर आप स्टूडेंट हैं या फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं फिनेंशियल डिपेंड, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपको एक पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म आप प्लेन लेटर पे दैट आवर सन इज़ गोइंग टू जापान एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, और स्पाउस के केस में भी अगर कोई वाइफ है जो फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है तो वो भी अपने हस्बैंड से लिखवा के दैट माई वाइफ इज़ ट्रेवलिंग टू जापान एंड आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। उनकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट पेरेंट्स की या स्पाउस की, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न पेरेंट्स का या स्पाउस का, एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जैसे उनके पासपोर्ट, अगर उनके पासपोर्ट की आपने कॉपी लगाई
तो या आपके पासपोर्ट पे उनका नाम होगा, जैसे आपके हस्बैंड है तो आपके हस्बैंड के पासपोर्ट पे आपका नाम होगा, आपका नाम आपके हस्बैंड के पासपोर्ट पे, तो ये एक प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है। या फिर कोई मैरिज सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम हो जाता है पेरेंट्स का, तो इसी तरीके से। या फिर पासपोर्ट पे तो वैसे भी पेरेंट्स का नाम होता ही है, तो ये है इसका मतलब। अब हम भरेंगे इसका वीज़ा फॉर्म। ये वीज़ा फॉर्म कहाँ रहा, इसका फ़ोटो स्पेसिफिकेशन जैसे मैं बता चुका हूँ, ये 2x2 की साइज़ की होनी चाहिए और 2x2 की ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर। और ये प्रोसेसिंग टाइम है, इसके अंदर जो जापान का टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है, ये मिनिमम 2 to 3 days है, और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में वीज़ा आ जाता है जापान का। अब हम दोस्तों इसका वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे। ये रहा आपका वीज़ा फॉर्म और ये खुल गया आपका वीज़ा फॉर्म। सो पहले ये मांगता है सरनेम। सरनेम मेरा मेरा सरनेम है शर्मा, मैं शर्मा डालूंगा। एंड गिवन नेम है मेरा अभिषेक। अगर मेरा नाम अभिषेक कुमार शर्मा होता तो शर्मा मेरे लास्ट नेम में आता और फर्स्ट नेम में आता अभिषेक कुमार, बट मेरा नाम अभिषेक शर्मा है तो इसमें आएगा अभिषेक शर्मा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में अगर मेरा आएगा पहले डेट, मंथ आ गया मेरा ये, और 1966 ईयर, ये रियल नहीं है बट ये एक मैं इमेजिनरी। और प्लेस ऑफ बर्थ आ गया दिल्ली, दिल्ली के अंदर ये आ गया आपका। और सेक्स आ गया, सेक्स के अंदर आ गया आपका मेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, नेशनैलिटी और सिटीजन। नेशनैलिटी हम भारतीय नागरिकों की, इंडियन, हम भारतीय हैं तो हमारी इंडियन सिटीजनशिप है। फॉर्मर नेशनैलिटी एन ए लिख दूंगा मैं इसके, नॉट एप्लीकेबल, एन ए का मतलब नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक ऑप्शन है ये सिलेक्ट करने की, मैं यहाँ पर आई से सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर्म में नहीं तो मैं अपने हाथ से भी लिख सकता हूँ, आई इंडिया, ये इंडियन, इंडियन ये लिख दिया मैंने। अच्छा अब यहाँ पे आ गया आईडी नंबर, ये भी हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं होता। आईडी नंबर इशूड ऑन योर गवर्नमेंट, पासपोर्ट ऑर्डिनरी होता है। पासपोर्ट नंबर है मेरा G1234567, ये मेरा हो गया पासपोर्ट नंबर। और प्लेस ऑफ इशू मेरा पासपोर्ट हो गया दिल्ली, दिल्ली। और इशूइंग अथॉरिटी होगी मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, INDIA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्पस ऑफ विजिट हो गया मेरा टूरिस्ट, जो कि मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए है। लेंथ ऑफ स्टे हो गया मेरा 5 days, क्योंकि मैंने यहाँ पे डे वाइज आइटनरी लगाई है अपनी, और इसके अंदर मैंने होटल बुकिंग वगैरह भी दी है। डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल है मेरा यहाँ पर, डेट ऑफ अराइवल मेरा जो डेट ऑफ अराइवल है जापान के अंदर, मेरा डेट ऑफ अराइवल जापान के अंदर आ रहा है 20th of September, 20th of September। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, एक मेरा फ़ोन आ रहा है, ज़रा प्लीज़ होल्ड कीजिएगा, मैं अभी सर आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। तो ये डेट ऑफ अराइवल है मेरा 20 सितंबर 2018, और पोर्ट ऑफ एंट्री मेरा है रीटा, NARITA, एंड द नेम ऑफ ऑल निप्पन एयरलाइंस ANA ये। और यहाँ पर ये आपका पूछ रहा है होटल, तो जहाँ पे भी अपनी होटल बुकिंग करेंगे एज यू बुक, जहाँ पर भी आप करते हैं आप वो लिख देंगे, आप वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे, अगर आपने जापान में पहले आप रुके हैं तो आप उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाल देंगे। योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस अपना 101 गुड़गांव हरियाणा, टेलीफोन नंबर अपना, मोबाइल नंबर डाल देंगे आप, और करंट प्रोफेशन, करंट प्रोफेशन आपका है अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पोजीशन, डायरेक्टर, और अपना कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का नाम आपने डाल दिया इसके अंदर, कंपनी का नाम यहाँ पे, फिर से फ़ोन नंबर कंपनी का, कंपनी का नंबर, कंपनी का एड्रेस, यहाँ हमारे काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं तो मैं इसमें करोल बाग का डाल देता हूँ।
करोल बाग न्यू दिल्ली, और ये पार्टनर्स प्रोफेशन, अगर ये एक्चुअली ये उनके लिए है कि अगर कोई, ये मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल रहेगा, गारंटर भी, क्योंकि ये अगर कोई गारंटर का भी नहीं है, ये एड्रेस में भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पर तो, और अगर कोई इनवाइटर नहीं है मेरा तो मैं तो अपना टूरिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ नो 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 कर दूंगा मैं सब में। अगर आपका आंसर किसी के लिए भी येस है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर अब मैंने अपना 11 यहाँ डेट डाल दी और सिग्नेचर यहाँ पे अपने डाल दूंगा मैं, और यहाँ पे ये प्रिंट की ऑप्शन है, प्रिंट की ऑप्शन देके मैं प्रिंट आउट निकाल दूंगा। सो मैं आशा करता हूँ अपने सभी वीज़ा एप्लीकेंट से कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप जापान वीज़ा जापान जाना चाहते हैं, जापान एक बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही वंडरफुल कंट्री है, आप जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की कार्स, जापान का सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। मैं अपने सभी न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आपको कोई भी सवाल है या फिर आप चाहते हैं मैं किसी भी विषय में आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन है वीडियो बनाऊं या किसी तरह आपसे वीज़ा की मदद करूं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अभिषेक प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड आई विल हेल्प यू आउट। तभी मैं आपसे सबसे नमस्ते कहूँगा और सलाम आदाब, टेक केयर एंड एन्जॉय योर टाइम, बाय।